गुजरात चुनाव 2022 काफी चर्चाओं में है और चर्चा इस वजह से है क्योंकि मोरबी हादसा हुआ उसके बाद बीजेपी सरकार गिरने के आसार जताए गए और दूसरी वजह यह है कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बदले गए और तीसरी वजह यह है कि केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी लगातार सक्रिय थी कई महीने पहले से ही। तो ऐसे में चर्चा इस बात की ये ज्यादा है कि इस बार कौन सी पार्टी बाजी मारेगी, क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी दोनों का खेल खराब करेगी या कांग्रेस पार्टी पिछली बार की तरह इस बार भी कोई बड़ा खेला कर जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि कांग्रेस पार्टी इस बार बिल्कुल भी नजर नहीं आई, ऐसा सभी लोगों का कहना है। राहुल गांधी की एक रैली हुई और दूसरी तरफ सोनिया गांधी तो बिल्कुल भी नजर नहीं आई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने लगातार रैलियां करी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, लेकिन इसका कितना फायदा कितना नुकसान होगा ये नतीजों से पता चलेगा। दूसरी तरफ अगर बात करें सोनिया गांधी के पहुंचने के बहुत आसार जताए जा रहे थे, लेकिन सोनिया गांधी का भी रैली में ना पहुंचना इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि शायद सोनिया गांधी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से अब दूरी बनाती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी जो उन पर परिवारवाद का टैग लगा था उस टैग को मिटाना चाह रही है, उस टैग को हटाना चाह रही है क्योंकि परिवारवाद को लेकर लगातार घिरती नजर आई थी कांग्रेस पार्टी और यही यहां पर बातें थी जो सोनिया गांधी को चुभती नजर आ रही थी और इसी वजह से यहां पर सोनिया गांधी अब इन सब मामलों से दूरी बनाती नजर आई। नहीं हिमाचल चुनाव में गई, नहीं गुजरात चुनाव में गई। राहुल गांधी तो पहुंचे थे, एक दिन की रैली भी उन्होंने करी थी लेकिन उसके बाद वो भी नजर नहीं आए। सूरत में एक दिन की रैली से भोकाल मच गया था, उनका हाहाकार हो गया था नाम का, उनके बयानों की काफी चर्चा हो रही थी लेकिन सोनिया गांधी आती तो शायद नतीजों में फर्क पड़ता। लेकिन सोनिया गांधी को लेकर जो चर्चाएं थी वो इस बात की है कि सोनिया गांधी पहले दिल्ली में जब पॉल्यूशन बढ़ा तो हिमाचल चली गई थी क्योंकि वहां का एयर क्वालिटी काफी साफ था, फिर हिमाचल से वापस दिल्ली आई कुछ बड़ी बैठकों के लिए, फिर वहां पर बैठकों का दौर जारी रहा लेकिन गुजरात नहीं गई। ये सबसे बड़ी वजह रही, गांधी परिवार गुजरात नहीं गया, ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है। प्रियंका, राहुल, सोनिया सब ने दूरी बनाए रखी। 1 तारीख को चुनाव है, 5 तारीख को दूसरे चरण के चुनाव है, 8 तारीख को नतीजे हैं। अब देखते हैं कांग्रेस पार्टी की ये गलती कितनी उन्हें भारी पड़ेगी, क्या ये गलती है या कोई सबसे बड़ी चालाकी है, देखना बेहद ही दिलचस्प रहेगा। लेकिन क्या आपको लगता है कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार को दूर कर रही है यहाँ पर या फिर गांधी परिवार खुद यहाँ पर पार्टियों के फैसले से अलग हो रहा है और मल्लिकार्जुन खड़गे के फैसले पर निर्भर कर रहा है? तो अपनी राय दीजिएगा कि क्या ये सही हो रहा है या गलत। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।